जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो पे। आप लोगों को पता हुआ कि नई शिक्षा प्रणाली के तहत आप लोगों का जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता था वो अब आप लोगों का 4 साल का होगा। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी परेशानी आ रही है कि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग जो है अब पहले तो होता था कि 1 साल में एक एग्जाम हुआ आपका कंप्लीट, वो सेशन आपका कंप्लीट हो गया, वो पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो आपका होने वाला है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। अब जो आप लोगों का 4 साल का होगा वो भी आपका सेमेस्टर वाइज, यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर तो 4 साल में 8 सेमेस्टर होगा। तो अब बात आ रही है कि बच्चों का कि सर सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्योंकि इस बार से सिलेबस भी चेंज कर दिया गया। पहले था कि आप लोग कहीं से भी गेस्ट पेपर खरीदते थे मार्केट से और अपना लेके चले गए, एग्ज़ाम बना दिए, पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन इस बार से बिल्कुल वो सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए नई शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया है। तो आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग का कंप्लीट सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस में आपका दिया हुआ है, कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, आपका शेड्यूल होने वाला है। एक ध्यान याद रखना, आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा आपका सेप्टेम्बर में कंक्लूड होने वाला है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, देखियो मेन बात यह है कि आप लोग का सेमेस्टर होगा 6 मंथ का एक, और 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा। अब 1 सेमेस्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके कॉलेज में जो है 1 मंथ पर इंटरनल एग्ज़ाम होगा। अब बोलिएगा ये इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है। देखिए सबसे पहला बात यह है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो टेक्निकल वाले होते हैं, BTech, BSc ये सब वाले जो होते हैं, उन लोगों का क्या होता है जैसे कि 6 मंथ पे सेमेस्टर होता है और बीच में इंटरनल एग्ज़ाम उनके कॉलेज में होते रहता है। तो सेम वैसा प्रोसेस अब आप सभी के कॉलेज में भी होगा कि आप लोग जब कॉलेज करने जाओगे क्लास करना, अब तो क्लास करना अनिवार्य हो गया है, सभी को क्लास करना पड़ेगा ग्रेजुएशन का। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 मंथ पढ़ाई हुआ क्लास में, फिर आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम होगा, फिर उसमें से आपको जैसे 8 नंबर मिलेगा उसमें से, ठीक है, फिर आपको एक दूसरा इंटरनल दीजिएगा, फिर उसमें आपको 8 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से कर करके क्या होगा, आपका 6 मंथ का एक सेमेस्टर होगा। उसके बाद 1 सेमेस्टर का आपको कंप्लीट जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको जो माइनर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आप सोच रहे हो कि ये सब्जेक्ट हमको नहीं पढ़ना है अब अगले सेमेस्टर में, तो आप अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी आपकी समस्याओं का समाधान मैं आपको, ये आपको सिर्फ मैं ये आपका रिव्यू दिखा रहा हूँ कि आप लोग कुछ इस तरह से मैं सारा जानकारी मैं विशेष एक कंप्लीट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को बिहार के सभी बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि सभी बच्चों के पास ये समस्या है कि हम लोग को सिलेबस कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ टेलीग्राम में मैंने सब विषय का डाल दिया है। ये किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, बल्कि एक सभी यूनिवर्सिटी बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला हो गया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, BSK, तिलका मांझी, जितना भी यूनिवर्सिटी है बिहार में, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये न्यूज़ है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जो है जम के शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख के इस चैनल पे आवें और यहाँ से अपना सही जानकारी सिलेबस का लेके जाएं। धन्यवाद।